Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. Hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम इश्क मुश्किल ड्रामे के एपिसोड 14 पे थे, जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चले गए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हेलो, हाय, मुझे लगा तुम मेरा वेट कर रही हो। तुम तो कहीं जा रही हो। इतनी मुश्किलों से तुम मेरे हाथ लगे हो। प्यार में कि मैं आज कहीं और जाऊंगी, तुम्हारे लिए तैयार हुई मैं। सो हाउ डू आई लुक? यू लुक गुड। थैंक यू। चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक घंटे का टाइम है, फिर मेरी दूसरी मीटिंग भी है। सॉरी, आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सॉरी, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजी हूँ। आज भी बिजी हो? इसके लिए बिल्कुल भी। ओके शामिर, शादी से पहले मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। नॉट एट ऑल। ये बहुत वो क्या है कि अरमान लेकर बैठी है। मुझे आदत नहीं है ना कि कोई मुझे इतना इग्नोर करे जितना तुम करते हो। मेरी नकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, मगर तुम्हारे केस में तुम वही समझती हो, देखती हो जो तुम देखना चाहती हो। सही है। The thing is कि बहुत रेयरली मुझे कोई चीज पसंद आती है, और अगर आ जाए तो फिर मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। चीजों में और इंसानों में काफी फर्क होता है मेहरीन। जवाब तो है भाई, एक से एक है, हाजिर जवाब ही है। मुझे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, there's always a first time. I guess we'll see about that. सुलेमान, आपको पता है ना कि बेटियां पराई होती हैं, और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें उनके घर का कर देना चाहिए। किसी पिटी बात खुल के बात करो, क्या कहना चाह रही हूँ? कहना यह चाह रही हूँ कि मानती हूँ आपने शिब्रा को बेटे की तरह पाला है, उसे बहादुर बनाया है। गलत कर दिया मैंने? मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, है तो लड़की ना। जिस तरह हमने सुकैना को उसके घर का कर दिया, उसी तरह हमें शिब्रा को भी उसके घर भेज देना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छे काम में देरी हो जाए तो वो बुराई बन जाती है, जो कि सुकैना के साथ हो चुका है। अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। कोई रिश्ता है तो आई नजर में शिब्रा के लिए। यस 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 यस, दाऊद से बिल्कुल मेरी इस बारे में बात हुई है, और मैंने भी उसे तुम्हारी तरह बहुत डांटा, और मैंने उसको यह भी कहा कि फौरन उस लड़की को घर इनवाइट करे, उसके साथ दो चार तस्वीरें खींचे और प्रेस को बताए कि जो कुछ हुआ वो दैट वाज जस्ट सम मिसअंडरस्टैंडिंग। और कितना दिमाग चलता है लोग अपनी पार्टी को बचाने के लिए। सो पापा ने क्या कहा? गलत को सही करने में उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। दाऊद को मैंने कभी दूसरी चॉइस दी ही नहीं। और इस मामले का सवाल तो सिर्फ तुम्हारी पार्टी की इमेज के बारे में नहीं, मेरी भारी इन्वेस्टमेंट का भी है। ये वो अपनी इन्वेस्टमेंट ही गिनवाता रहता है। But apart from everything, Daddy, Shamir,
उस लड़की तो ने जवाब जो दे कुछ सकता भी होगा। दाऊद अंकल के साथ किया, दैट टेक्स सम ब्रेवरी। आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब मैं तो उसकी फैन बन गई हूँ। क्या नाम था उसका? कुछ अलग सा नाम था, याद नहीं आ रहा। शिब्रा, शिब्रा सुलेमान। शिब्रा, गुड नेम। इसका मतलब भी बता दो। पता नहीं, आई थिंक इसका मतलब शायद शेरनी। शेरनी। तभी तो। वेरी इंटरेस्टिंग, लगता है अच्छी खासी रिसर्च की है तुमने इस लड़की के ऊपर। जरूरी है छोटी छोटी डिटेल्स पे नजर रखना, सियासत में जरूरी होता है। शुक्र है तुमने मोहब्बत नहीं कहा। एकदम पकड़ती है भी। ये आजमात ही है। ऐसे क्या देख रहे हो, मजाक कर रही हूँ? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम सीरियस हो। मुझे भी लगा कि तुम सीरियस हो। ये समझ जाती है। नहीं, समझ तो गई है। Don't you even think about it, okay? क्या पता अभी इसके ऊपर नजर रहे। कुछ नहीं पता इसका, ये ऐसी है, कर सकती है। डैडी, इससे जरा पूछे तो सही कि क्या कहते हैं वो इसका मुर्शिद साई वापस कब आ रहा है? अब पीछे ही पड़ गई तो। हाँ तो बताओ शामीर, क्या वो अब भी इराक में है? आपको बताया था ना, वो 2 महीने के लिए गए हैं इराक। जब आएंगे मिल लीजिएगा। हाँ बताया तो था। मैं तुम्हें उनके बारे में एक बात बताना भूल गया। देखो, उनका तुम्हारे और मेहरीन के रिश्ते को लेकर जो भी कैलकुलेशन हो, उसका मेरी इक्वेशन से भी मैच होना बहुत जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं मेरा इशारा किसकी तरफ? घमंड है इसको, घमंड की तो यार दबाव सा डाल रहे हैं। समझ रहे हो, घमंड है। गुड, प्यार नहीं होता। रिलेशन बनता है। शिब्रा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना ही दाऊद अली खान के घर जाऊंगी, ना उससे मिल सकती हूँ। शिब्रा, शिब्रा प्लीज समझने की कोशिश करो बेटी। तुम्हारा उनसे मिलना और हमारा इस मामले को प्रेस के सामने कुछ उसलूबी सहल करना बहुत जरूरी है। वैसे भी दाऊद अली खान ने तुम्हें खुद इन्वाइट किया है। बाबा, आप क्या जानते नहीं है इन सियासतदानों को? ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमें इससे क्या लेना देना? याद नहीं फजल बख्श ने कहा था कि हमें इस मामले को बहुत खुश असलूबी से हल करना है, कहा था ना उसने? यकीन नहीं आ रहा, आप उसको जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो कितना मक्कार आदमी है, मुझे ये सब करने को कह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो शख्स कितना मक्कार है। शिब्रा, हमारी खुशकिस्मती थी कि फजल बख्श और उसके मुर्शिद सही ने वक्त पे आके सब कुछ संभाल लिया, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होता। अरे तुम हवालात में होती, मैं कब्र में होता। हवाला ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही सच है, यही सच है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी जुदाई में क्या हालत थी मेरी। रोया हूं मैं बच्चों की तरह, खुद को बेबस पाकर। कलाकार है भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग है। चली जाऊंगी उससे मिलने।
बस मुझे आप एक बात बता दें, क्या मैंने जो कुछ किया आपको लगता है मैंने गलत किया? नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज और जो तरीका तुमने बताया वो सही नहीं था। वो सही नहीं था, सही समझाया, बट इसने अपने हिसाब से करा, ऑन द स्पॉट बोल दिया। सही चल रहा है यार, काफी सही चल रहा है ड्रामा, काफी बढ़िया चल रहा है यार। मतलब वो महरीन के साथ तो यार, मतलब जो भी बातें हुई हैं, मतलब हुई हैं अभी, जोड़ी लगती भी नहीं यार मुझे तो, लगती तो नहीं है, पर उसने ना पकड़ लिया, वो शिब्रा नाम जैसे बताया ना, शिब्रा सुलेमान पूरा नाम जो बताया, तो उसने पकड़ लिया। मतलब भी बता दो, मतलब भी बता दो। अच्छा वो मोहब्बत नहीं बोला ऐसे कुछ, मोहब्बत नहीं बोला, कहीं ना कहीं वो समझ गई है गाइस कि ये उससे मिलता है या फिर उसके बारे में ज्यादा जानता है, जानता है। हाँ तो मतलब वो ना जबरदस्ती भी तो कर रहे हैं ना यार, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, समझ नहीं रहे कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ वो पैसों की वजह से ना थोप रहे हैं, मतलब जैसे शादी करनी है उसमें प्यार तो होगा नहीं, बस शादी होगी, उसमें शादी होगी और पैसा, बस वो पैसे का घमंड, पैसे का हेर फेर होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं पैसा इक्वेशन मैच होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और वो मुर्शिद साईं उसके बारे में भी पूछ रही है वो इसमें, तो उसे पक्का शक हो गया है कि ऐसा कोई कोई बंदा नहीं है, कोई टाल नहीं, कुछ नहीं है, शादी टाल दी है। हाँ शादी टाल दी है, और अब मेरे को लग रहा है कि आगे ना ये इसके पीछे बंदे लगा देगी, या फिर इसके पीछे ये खुद लगेगी, कुछ तो पता करवाएगी। हाँ, अब ये हाँ शिब्रा के बारे में अब ये कौन है, जाने ये कैसे जानता है। हाँ हाँ हाँ, तो बता तो दिया खैर इसने कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पर वो ऐसा लग नहीं रही है कि छोड़ देगी वो सिर्फ। तो गाइज आप आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं गाइज, बिल्कुल क्या होगा, मजा आ रहा है, क्या होगा, कैसे क्या होगा, कौन जाएगा, मजा आ गया गाइस। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।